चुनाव प्रचार का शोर थमते ही शहर की सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कंपनियों ने शहर के संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रचार थमा, शाम के 6 बजे नॉर्थ जिले में पुलिस ने कमान संभाल ली। डीसीपी नॉर्थ राशि डूडी डोगरा ने बताया कि भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए शहर के संवेदनशील बूथों पर इस बार वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। साथ ही अभय कमांड के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान फ्लैग मार्च का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। चुनाव प्रचार थम चुका है और अब पुलिस की बारी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है खुद, क्योंकि संवेदनशील इलाका माना जाता है जयपुर नॉर्थ को। खुद राशि डूडी डोगरा यहां पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद है और पूरी कंपनी के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उनसे बात भी करेंगे हम। जिस प्रकार से मैडम चुनाव प्रचार थम चुका है, जो शोर था थम चुका है, अब पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार से होगी? देखिए, आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि कोई भी फ्रीबीज ना बटे। जो शराब की दुकान है वो 6 बजे के बाद बंद है और उसकी हम सख्ती से उसको लागू करें। और ये जो हम रूट मार्च कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं, सेंसिटिव एरिया से भी कर रहे हैं, बाकी मिश्रित आबादी से भी कर रहे हैं कि पोलिंग डे के दिन कोई वायलेंस ना हो, खूब पुलिस का जाप्ता लगाया जाएगा और बिना डर के आम आदमी आके वोट करें। मैडम, प्रलोभन में लोग ना आए, साथ साथ भयमुक्त वातावरण में पूरा मतदान संपन्न हो, इसके लिए कितना जाब्ता, क्योंकि पूरा जो नोट संवेदनशील इलाका मनाया जाता है, कितना जाब्ता तैनात किया जाएगा? देखिए, बूथों में हर बूथ पे पुलिस कांस्टेबल रहेंगे, अपनी पुलिस मोबाइल पार्टीज हैं, एरिया सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, असेंबली सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। हमें तकरीबन 10 कंपनियाँ मिली हैं उत्तर में CAPF की, तो काफ़ी जाब्ता इसमें लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी। क्या कुछ संदेश देंगे लोगों को कि भयमुक्त वातावरण में आई हो मतदान के लिए? देखिए, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव है और इसमें हर साल की तरह, हर बार की तरह जनता आए, अपना अधिकार वोट दे और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सभी व्यवस्था माकूल करके ये सुनिश्चित करेगी कि भयमुक्त वातावरण रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि मतदान संपन्न कराने के अंदर पुलिस की 27 कंपनियां जयपुर में आ चुकी है और ये जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है जयपुर शहर के संवेदनशील स्थानों पर, ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है जिससे कि लोगों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो। चुनाव प्रचार का जो शोर है वो संपन्न हो चुका है और पुलिस की दोहरी भूमिका होती है, एक तो चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराना और साथ साथ उसके बाद जब मतदान के बाद में जब मतगणना होगी तब तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखना। उम्मीद करते हैं जयपुर पुलिस की जो ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ है, इनके राहत से कहीं ना कहीं जयपुर की जनता को ये सुकून मिलेगा कि हाँ, पुलिस हमारे बीच में और वो आराम से भयमुक्त होकर अपना मतदान कर सकेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।